है या बात, और उड़ा तू कोड़ों से मैं खाल और बता दे झूठी है, अन्यथा तुझे बहुत बड़ा दंड मिलेगा। ठाकुर जाला, लोग कहते हैं हाथ से फेंका हुआ डेला और बंदूक से निकली हुई गोली, जुबान से निकली हुई बाणी कभी वापस नहीं होती है। पाखंडी, अभी भी कह दे ये सारी बात झूठ है, अन्यथा इसका दंड तुझे बहुत बड़ा मिलेगा। ये झूठ हराम चाचे, इनकी बेटी पे तूने कलंक लगाया है, और आज आज यही चोला अपनी मौत बना लिया तूने अपने हाथ से। अरे क्यों नहीं ये बात को कह देता कि झूठ है? नहीं है झूठ। कह दे पाखंडी, कह दे कि ये बात झूठी है, अन्यथा इसका दंड बहुत बुरा होगा। बोल हार अला। ज्यादा कहीं का आओ चलते हैं ठाकुर साहब। आओ, ये मुनिराज नहीं, ये पाखंडी था। ठाकुर जोला, चलते चलते एक बाणी मेरी सुनते जा। ऐसी नगर में तेरे मारने वाला विजयपुर नगर में तैयार हो चुका है, तू बच नहीं पाएगा ज्वाला। नहीं, मुझे मारने वाला इस संसार में जन्म नहीं ले सकता, जन्म नहीं ले सकता। ओ बाबा, ओ बाबा, ये तो मर गया ठाकुर साहब, लेकिन विजयपुर नगर में अगर तुम्हारा मारने वाला पैदा हो गया है तो ये बाबा ने तो ये नहीं बताया कि किसके घर में वो पैदा हुआ है। लेकिन सागर सिंह, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि पूरे विजयपुर शहर में जो लड़का पैदा है या गर्भ में है वो हमारी मौत का कारण बन सकता है, इसलिए इस शहर में एक भी बालक जिंदा नहीं रहना। तलवारियां ले जा इस लाश को। ठाकुर साहब, अगर ये बाबा ने नहीं बताया है कि विजयपुर में तुम्हारा मारने वाला किसके घर में है तो ये सागर विजयपुर में कोहराम मचा देगा। हाँ सागर, विजयपुर में कोई बच्चा कोई बच्चा विजयपुर में किसी के मां के गोद में नहीं रहेगा। जाओ जाओ, पूरे विजयपुर शहर में कोहराम मचा लो सागर, कोहराम। जाओ तरबारियों, सुना? हाँ सुन लिया। क्या सुना? ये सुना है कि चलना है वहां। कहां? अबे साले, दरबारियों, अब देख अब देख कि ये विजयपुर में ये सागर ये सागर क्या कोहराम मचाएगा? क्या मचाएंगे? एक एक बच्चा हर माँ की कोख से छीन छीन के सागर काटेगा। लेकिन कैसे? और आए विजयपुर वालों, कान खोल के मेरी बात सुन लेना। आज की रात के तुम्हारा गांव नहीं,
बल्कि आज की रात ये विजयपुर शहर है और विजयपुर शहर में जो करेंगे सागर और ज्वाला करेंगे। और अगर किसी ने सागर और ज्वाला के खिलाफ अपनी आवाज उठाई तो विजयपुर वालों तुम्हारे जिंदगी में वो फोन डराएगा अच्छा कि एक के दाने के लिए ईशा कर मोहताज कर देगा। चल मेरे साथ और आज देखते हैं विजयपुर में किसकी गोद पे कौन सा बेटा खेल रहा है। तुम लोग चुपचाप इतना कोई खिलाफ बोलना नहीं समझ लेना। समझ ली है हाँ। एक बात तो है ससु चला तो गप्पे भर एक बात बता दे ये ससु मोहताज है एकदम पोजीशन बसे का देहात है कसम से अब ससु 5 लाख में मरा जात रहा है कसम मालिक की ये ससु के पास एक फूटी कौड़ी नहीं है ससु ये बीड़ी पिए थे तो साल मोसे मांग के पिए थे हाँ इनता एक रोज मांगिस मटार दी हो कसम मालिक की ही से गया भी हम भी प्रोग्राम लगा रहा था जितनी अधी भीड़ी परी रहा था पीपी कुल पीटा सर कुल बिन के पीटा सर इतने नहीं ये साला पोजीशन भले दिखाते है हम कटे रात बहुत है हाँ अगर मुको साथ देख ले साथ था 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 थर कांपे लागत है तुम्हारे सामने आ सर ये गुंडगर्दी करत है हाँ सर कसम से बोला के दो चार जने सारे को पकड़ के टानक गिदो फार लो सारे का हाँ आ जाते सर हम तन को सारा आए पाए बोल दे कसम से जाते तो हम वह बंदूक का कुंद पेलो सारे खपरी फाड़ गए इन लोगों का आवाज ऊंची कर रहा था बिल्कुल ना बिल्कुल ना क्या का इशारा कर रहा बे खुद ना था ये लोग ताली बजाने वालों अगर किसी ने ताली हो हाँ किया विजयपुर वालों तुम लोगों को ये गांव में रहना है कि नहीं आए हाँ पुत्र रहना है एक एक के घर में ताला लगवा दूंगा याद रख लेना सरबारी अब तो देख ये विजयपुर में सागर का करेगा का करेंगे और चल मेरे साथ और चल मेरे साथ चल मेरे साथ अरे का किसी का ललने चल मेरे साथ चल मेरे साथ काटे किसी का ललने चल मेरे साथ काटे किसी के करे दुअरिया जाई कैसे बिपतिया गाई छाई बादलिया गमा
पे। आज ना जाने सुबह से क्यों मेरा बच्चा बहुत रो रहा है, आज ना तो दूध ही पी रहा है ना तो गोद में चुप हो रहा है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं भगवान क्या न करूं। बहन मेरा भी लाल बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है बहन, ना जाने आज क्या होने वाला है। आ चल चलती है, बैठ कर दूध पिलाती है, हो सकता है कि चुप ही हो जाए। चल बहन चल। क्या बात है लंबा चाची, ई दो दरबरिया क्या नाम है रे तेरा, काहे रो रही है इतना, ओ किसी ने सताया का तुझे? नहीं आज भगवान जाने सुबह से क्यों मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा है और ना ही चुप हो रहा है। भगवान जाने से क्या हो गया क्या नहीं हो गया है। क्या ले है तू? मेरा बच्चा है। तुम्हारा बच्चा है जी। और तेरे गोद में रे लड़का है, बहुत लंबी लग रही है रे। ए हो ए दरबरिया, इन बच्चों को कह दे हमको दिखाए पहले। नहीं जब हमारा बच्चा हमारी गोद में नहीं चुप हो रहा है तो आपके गोद में कैसे चुप हो जाएगा। मैं आपको अपना बच्चा नहीं दूंगी। नहीं देगी? नहीं। क्यों हमारे कोई काटा है? नहीं जी। क्या अपना बच्चा देखने को भी नहीं देगी? नहीं। अरे मानो रे कलावतिया, कलावतिया नाम है तेरा? हाँ क्या नाम है? मेरा नाम और इसका? मेरा नाम सुमन है। तेरा नाम सुमन और इसका नाम? नाम तो बहुत अच्छे अच्छे रखे रे गरीब खाली। अरे मानो हमारी बतिया, अरे पीछर दिखाओ तुम्हें, और करो आप वही की।
लिए, लेकिन हम अपना बच्चा तुम्हें कभी नहीं देंगे। तो देखने वालों, क्या हम कौनो गलत कर रहे हैं? मेरे भैया, मेरे बाबू, अरे बोलो, गलत कर रहे हैं? मैं तुम सबके आगे हाथ जोड़ती हूँ और तुम सबके पांव पड़ती हूँ। मेरे बच्चे को बचा लो, बच्चे को बचा लीजिए। इन पापियों से हमारे बच्चे कौन है बा? ये लोग आएंगे कोई? आए आओगे? नहीं। गांव वालों, तुम लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा है? आए, अब कोई बोलना भी नहीं, गांव में रहना मुहाल कर दूंगा। हराम जादी, लाओ लाओ इस मिशर को। राम जाति ले चल रही, कैसे से कैसे दिन दिखलाया मालिक, कैसे दिन दिखलाया या विधाता। या विधाता, या भगवान, या विधाता, किधर को मैं जाओ, इसी ग्राम सभा से ये सीन देखते हुए 11-11 रुपए का पुरस्कार भेज रहे पार्टी से। कुछ यहां
अपने यार सागर सिंह को भेजा है, साहब वो कार्य बिना पूरा किए वापस नहीं आएगा, क्योंकि ठाकुर साहब की जय हो और ठाकुर साहब की जय जयकार हो। क्या हुआ सागर सिंह? पूरे शहर के बच्चों को जान से मार दिया या नहीं? और सभी बच्चों को पांडे अपने एक बेटे को लेके न जाने किस हार की तरफ भाग गया साला। वही शंकर पांडे, हाँ। न जाने वो दहशत खा करके कहां भाग कर जाएगा राजा बर्जा। वो शंकर पांडे कहां मिलेगा? वो भी विजयपुर का एक भी बालक जिंदा नहीं रहना चाहिए। वो भाग के जाए तो कहाँ जाए? मान लो घर से जाए तो खेतों की तरफ जाए। खेतों की तरफ? हाँ, खेत। सागर सिंह तत्काल तैयारी करो खेतों चलो के लिए। कहाँ करो तैयारी अब चलने की? अरे तरक्की उद्देश्य करो तुम लाए मुलाकात चल हमारे पास। अरे विध का लिखन के का जाने विध का, विध का लिखन के का जाने का लिखा विधाता खपरी बा। क्यों महिला न महाराज करे कोई समय बिताए
अरे हवाले करो मेरे कहने का मतलब समझ ली। ये जो तेरे गोद में छोकरा है सरकार हमें दे दे बच्चा छीन ले चरबरिया बच्चे को मार के ला साले को चाहे मार साले को मार साले काले का भाग रहा था हेलो आप है श्रीमान साइलेंट सिंह या तो 100 रुपए इस गरीब के ऊपर खोचो कर दे रहे हैं कहा थे ठाकुरो हिसाब से कौन गरीब को दिया सागर सिंह चलो वो मक्कार शंकर पांडे अपने बच्चे को बचाना चाहता था मिल गया साला वो पंडित तो हम भी ठाकुर है कहां जाएगा भाग के लेके तुम चलो और इसका इंतजाम करके ये सागर सिंह आ रहा इसको भी जाल से बना देना ताकि हमारा काल इस विजयपुर शहर में कोई बच ना सके देखने वालों तुम लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा है अरे बहुत पहले बोलो ना का मुंह में हाथ हाथ काट डालूंगा याद रख लेना मेरा नाम नहीं जाना दे रहा हूं ना इस सागर का खून बहुत गर्म है अरे इस बच्चे को ले जाओ और वो पहाड़ी दिखा रही है वही से साले को फेंक दे मर जाएगा न रहेगा पास न पते की पासुड़ी मैं जा रहा हूं और तू इसका इंतजाम करके आना अरे देखने वालों ये विजयपुर है और विजयपुर में रहना है तो सागर चोला जैसा करे वैसा सहना है है तो देख ले सर का तेल ही चोराई चोट्टा नहीं तो हमारे को मौका दी ही नहीं मोरिए का तेल का बिगाड़े है सर मैं कहीं मारो यह है कि यह पहाड़ी देहात ही यही न नदी है यही न झाड़ी है यही न सब कुछ ही मान लो ये गदेल मोर यार कुछ नहीं बिगाड़े कसम से कर मैं मारी हो तो पाप मोरे ऊपर लागे मोरे हिसाब से यार ये गदेल का मैं यही न छोड़ दो और यही न छोड़ के चुप ये झाड़ी में घुस के देखो ये गदेल का को लाई जात है अब ये गदेल का लाई जाए जो कहूँ अगर ये गदेल बड़ा के हो जाए पूरी राजे से मैं बता दे हूँ ये गदेल का मैं यही न चुप पे छोड़ दो और उसके बाद जाऊँ वही देखा जाए लेकिन एक बात थी चुप रहे वो सुना कसम से 4-2.5 किलो को अकेले काट डालते हैं चुप रहो रोन मानो कौन सिया टांग लगे तुम मोरे माथे न रहे मजा जा झाड़ी का भला हाँ ओ ले 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 भाईया चुप 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 हाँ भाईया घबरा न तो कर न मारी हूँ तनो का बिगाड़े ससु बिगाड़े तू ही है चलता हूँ छुप के देखता हूँ ये बच्चे को यही लेटा देता हूँ कोई इस रास्ते से निकलेगा इस बच्चे को उठा लेगा ये बच्चा जब जवान हो जाएगा समझदार तो इस बच्चे से बताऊंगा इसका राज पूरा क्या समाचार है इसका चलता हूँ यही से छुपता हूँ इस झाड़ी में
अरे आज मोरे लालन का, अरे आज मोरे लालन का चेहरा मली कौनो भतार गड़ा।